राम राम सर, मैं उतर गया कुसुम गोयल। तो इस टाइम मैं करनाल में हूँ। करनाल में तो हमने बेरा है कि भी आज किसाना की पंचायत है, किसान संगठन जो है सारे बटड़े होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ तो पूरी तैयारी कर रखी है, इंटरनेट सेवा है जो वो भी बंद कर रखी है, और साथ ही साथ पुलिस फोर्स है वो देखने लग रहे होंगे। तो हम तस्वीर में भी कितनी सारी पुलिस फोर्स यड़ा जमा है, यानी यड़ा अपने तैनात है, और इसके साथ साथ जो किसान है वो भी लगातार आने लग रहे हैं। कुछ किसान है तो हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये देखो सरदार जी, राम राम। राम राम जी। किसी तैयारी है? फुल तैयारी है जी। अच्छा जी। हाँ जी। शांतिपूर्ण मतलब देखने लग रहे हो तो हम की भाई सरदार आने शुरू हो गए, किसान जो है आने शुरू हो गए है, और भारी संख्या में किसान जो है आने लग रहे हैं। बुढ़े होता होता राम राम। देखो भाई सारे आ गए हैं, और इस टाइम देखने लग रहे होंगे तो हम बहुत संख्या में जो किसान यार करनाल में अनाज मंडी में तो लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो, और पुलिस फोर्स भी पूरी तैनात है और पूरी अपनी तैयारी में जुटी खड़ी है। रास्ते में भी बीच में हमने देख दिया था कि पुलिस फोर्स, BSF के जवान, पहला मिलिट्री फोर्स सारी तैनात करी गई। कुछ किसान है यार, इनसे बातचीत करेंगे। चलो राम राम सर। राम राम जी। ठीक सो है? ठीक से। अच्छा जी, कितना है आप? हम बड़ा थे। अच्छा, तैयारी किसी? पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी कर रहे हैं। यार किसान आ रहे हैं और अपनी पूरी तैयारी के गला देखने लग रहे हो कि तुम ट्रैक्टर पे, गाड़िया में, मोटरसाइकिल पे झंडे लेकर पूरे सारे किसान अड़ा रखे हैं। और अपनी ये मैं तस्वीरें तैरते दिखाऊंगी कि भाई देखो गाड़िया में किसान संगठन बटड़ियों का ना आने लग रहे हैं, और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी इनकी कंटिन्यू जारी है। ये देखो पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है, और इस टाइम करनाल की अनाज मंडी तय लाइव तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। हालांकि जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि भाई कोई भी नूर लगा ना कभी अप्रिय घटना होगी या फिर कुछ भी कानून ने तोड़न की बात लगा तो भाई कानून जो है अपना काम शुरू कर देवे, यानी कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसने देखते हुए जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये देखो माइक लेकर ना, ये देखो नारेबाजी तो हम सुन रहे हो गए कि भाई किसान नारेबाजी करने लग रहे हैं साथ के साथ में, और बहुत सारी संख्या में इब आने शुरू हो गए। बारिश भी आ गई है, झंडे ले ले कान लग रहे हैं किसान। किसान का आज शक्ति प्रदर्शन होगा करनाल में, और जो लघु सचिवालय है लघु सचिवालय का घेराव जो है वो करेंगे किसान। तो भाई प्रशासन की जब तैयारियां की बात करूँ तो 40 तो भी ज्यादा ला लो, और बहुत सारे जो है SP DSP तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि प्रशासन ने भी अपनी तरफ तक कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी ताकि भाई नूर ना लगे। क्योंकि देखो पाछे जो लाठीचार्ज हुआ था ना बस्ताड़ा में, उसने लेकर भी बहुत सारी जो है बातचीत भी हुई थी किसान का प्रशासन के बीच, कल भी मीटिंग भी हुई थी। जो निशांत सिंह है उपायुक्त करनाल के, उनसे भी बातचीत हुई थी। हालांकि हल तो कुछ ना निकला था, लेकिन उसे ने देखते हुए आज जो तैयारी है तो हम देखने लग रहे हो। इतनी सारी पुलिस फोर्स और किसान देखो अब आने शुरू हो गए हैं बहुत सारी संख्या में। हालांकि बहुत सारे किसान तो पहले भी आ चुके हैं, मी आ गया है, और साथ के साथ में किसानों की संख्या भी बढ़ती है जा रही है। देखो गाड़ी देखो, बाइक देखो, ट्रैक्टर देखो, कितनी सारी संख्या में देखो गाड़ी पर गाड़ी लगातार किसान जो है आने लग रहे हैं, और सारे किसान अपने एक के मांग है इनकी कि भाई तीन को जो कृषि कानून है उनको रद्द कराया जावे। तो फिलहाल देखेंगे कि तीन कृषि कानून रद्द होंगे या नहीं होंगे, या फिर किसानों की जो अपनी मांग है वे पूरी होगी या नहीं होगी, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीरें तम करनाल तय लाइव देख रहे हो, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो, और ताई ड्राइव भी जरूर लिख दियो। तस्वीरें से किसान जो है आप बहुत यहाँ पर शुरू हो गए, और बाइक हो गाड़ियाँ हो भारी संख्या में जो किसान है वो पहुँचना यहाँ पर अब शुरू हो गए हैं। अब तस्वीरें अब जो है कुछ यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है। लगातार जो किसानों की जो गाड़ियाँ हैं, बाइकें हो गाड़ियाँ हो, वो लगातार पहुँचनी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार यहाँ पर मुस्तैद है,
यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों के अंदर जो है कितना जोश यहाँ पर लगातार दिख रहा है। बाइकें हो, इतनी बारिश में जो है किसान बाइकों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गाड़ियाँ तो जो है वो लगातार आ ही रही हैं और लगातार किसानों के द्वारा नारे जो है लगाए जा रहे हैं। जैसे कि किसानों ने पहले ही बोला था कि 7 तारीख को जो है सितम्बर भारतीय किसान यूनियन। ये देखो हम पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, ट्रक ला दिए है ताकि भाई कोई आग ना जान पावे और पुलिस फोर्स लेडीज पुलिस जेंट्स सारे अपने फुल तैयारी में है। यार देखने लाग रहे होगे तो हम कितनी सारी संख्या में बीएसएफ की जवान मौजूद है और भारी पुलिस बल जो है यार तैनात कर दी गई है। ये देखो ये ट्रक ला दिए गए है ताकि भाई आग कोई ना जा सके। इसे पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। देखो भाई पुलिस फोर्स पूरी तैयार कर रखी है यानी कि आगे किसान को लेडीज बीएसएफ के जवान ये ट्रक ला रखे हैं ताकि भैया को देखो इस साइड भी देखो कितनी सारी संख्या में पुलिस यानी कि कोई भी अगर कोई भी गतिविधि दिखे तो भाई उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। देखो वाटर कैनन वगैरह वगैरह सारी मतलब इंतजाम जो है पुलिस ने कर रखी है। देखो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है यानी कि कोई भी गतिविधि दिखेगी उल्टी सीधी होंगी तो तुरंत पुलिस जो है एक्शन लेगी। डांडा गांव भैंसी माजरा जय जवान जय किसान मेरा देश मान हरियाणा। यहाँ पर मर्द मुछलियाँ के छोरे कल बीजी काले डोरे सिर पर पगड़ी पे जो आली सीधा सादा बहाना यह मेरा हरियाणा। माय नेम इज सुनील डांडा गांव भैंसी माजरा जय जवान जय किसान जय हिंद मेरा देश मान।